नगर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड फटने के कारण पुलिस कर्मी समेत 23 लोग घायल और एक नागरिक की मौत हो गई। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण भारतीय स्टूडेंट का भविष्य उलट पुलट हो गया है। यूक्रेन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर उनको भारत लौटना पड़ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में 10 मार्च तक बारिश होने की संभावना है। बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार वाली 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला हुआ है। हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा से 5 लोगों के सामूहिक रेप करने का मामला सामने आया है। पंजाब के अमृतसर में तैनात सीमा सुरक्षा बल की एक मेस में फायरिंग की खबर है। इस हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया। उन्होंने इसके बाद टिकट लेकर बच्चों के साथ मेट्रो में सफर भी किया। गाजियाबाद के लोनी जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिससे 4 की मौत हो गई।